आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति से लेके अब तक, यानी कि आज तक के राष्ट्रपति के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और भारत का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में भी मेंशन किया गया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, तभी आप अच्छे से सिक्वेंस में भारत के सभी राष्ट्रपति यो के बारे में अच्छे से जान पाओगे। दोस्तों, आर्टिकल 52-78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोस्तों जो आर्टिकल 52 है उससे लेके 78 तक जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ में डील करता है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या कंसिस्ट है दोस्तों, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रपति हैं या भारत के राष्ट्रपति हैं वो इंडियन स्टेट के हेड हैं। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो इंडिया यानी कि भारत का पहला नागरिक होता है। एंड एक्ट एज ए सिंबल ऑफ, और कैसे काम करते हैं कि सिंबल की तरह काम करते हैं, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो एक सिंबल की तरह काम करते हैं, जो उसमें इन तीनों चीज़ों को दर्शाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति से लेके अभी तक के जो अभी फ़िलहाल करंट प्रेसिडेंट हैं उन तक। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, यह काफ़ी नॉलेज वाली होने वाली है दोस्तों ये वीडियो। आज़ाद भारत के दोस्तों जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनका जन्म दोस्तों 3 दिसंबर 1884 यानी कि 3 दिसंबर 1884 को बंगाल में हुआ था। और दोस्तों, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 फरवरी 1963 यानी कि 28 फरवरी 1963 को दोस्तों इनका देहांत हुआ। जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनका कार्यकाल कितना रहा, 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक, यानी कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। और दोस्तों, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको दो बार चुना गया था, यानी कि दोस्तों जिनका कार्यकाल दो बार रहा था राष्ट्रपति के तौर पर। दोस्तों, जो दूसरे राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पे जो राष्ट्रपति थे दोस्तों इनके बाद, वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को कहाँ पे, TN यानी कि दोस्तों तमिलनाडु में। और जो इनका देहांत हुआ वो हुआ 17 अप्रैल 1975 को। दोस्तों, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट थे। और जो इनका टेन्योर था दोस्तों वो 13 मई 1962 to 13 मई 1967। और दोस्तों, इनके जन्मदिवस पर हम हैप्पी टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। अब जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जिनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1897 यानी कि दोस्तों 8 फरवरी 1897 यानी कि 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। दोस्तों, इनका देहांत कब हुआ, 3 मई 1969 यानी कि दोस्तों 3 मई 1969। और जो पॉलिटिकल पार्टी, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये भी इंडिपेंडेंट थे। और जो इनका टेन्योर रहा दोस्तों वो 13 मई 1967 to 3 मई 1969 यानी कि दोस्तों 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक। अब दोस्तों, वेहरा गिरी, वेकेंटा गिरी,
दोस्तों, जिनको हम वी गिरी के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति, जिनका जन्म हुआ दोस्तों 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा में, यानी कि 10 अगस्त 1894 उड़ीसा में दोस्तों। और जो इनकी मृत्यु हुई वो देहांत हुआ दोस्तों 24 जून 1980 को, 24 जून 1980। इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये भी इंडिपेंडेंट थे दोस्तों। और जो इनका टेन्योर रहा कार्यकाल वो था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, 24 अगस्त 1969 टू 24 अगस्त 1974। दोस्तों भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी, जिनका जन्म हुआ 13 मई 1905 को दिल्ली में, 13 मई 1905 दिल्ली। और इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों, देहांत 11 फरवरी 1977, 11 फरवरी 1977। पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो इनका टेन्योर रहा 24 अगस्त 1974 टू 11 फरवरी 1977, यानी कि दोस्तों 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। दोस्तों भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी, और जो इनका जन्म हुआ दोस्तों 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश में, यानी कि 19 मई 1913। और जो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई देहांत 1 जून 1996, यानी कि दोस्तों 1 जून 1996। और जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों इनका टेन्योर रहा जो वो था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, यानी कि दोस्तों 25 जुलाई 1977 टू 25 जुलाई 1982। और दोस्तों हमारे जो सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, जिनका जन्म हुआ 5 मई 1916 को पंजाब में, यानी कि 5 मई 1916 पंजाब। और जो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों, इनका देहांत 25 दिसंबर 1994, 25 दिसंबर 1994। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो दोस्तों टेन्योर था इनका 25 जुलाई 1982 टू 25 जुलाई 1987, यानी कि 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। अब दोस्तों जो आठवें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन, दोस्तों इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में, यानी कि दोस्तों 4 दिसंबर 1910 तमिलनाडु। इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों, देहांत 27 जनवरी 2009, 27 जनवरी 2009। और दोस्तों इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका कार्यकाल टेन्योर 25 जुलाई 1987 टू 25 जुलाई 1992, यानी कि दोस्तों 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। दोस्तों भारत के नौवें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जिनका जन्म हुआ दोस्तों 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश में, और दोस्तों 19 अगस्त 1918 मध्य प्रदेश। और दोस्तों जो इनकी मृत्यु हुई, इनका देहांत 26 जनवरी 1999, यानी कि दोस्तों 26 दिसंबर 1919। दोस्तों ये 26 दिसंबर 1919। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों टेन्योर 25 जुलाई 1992, 25 जुलाई 1997, यानी कि दोस्तों 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। दोस्तों भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण कोचेरिल रामन नारायण, दोस्तों इनका जन्म हुआ 27 अक्टूबर 1920 को केरला में। और जो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों वो 9 नवंबर 2005, यानी कि दोस्तों 9 नवंबर 2005। और जो जन्म है दोस्तों
27 अक्टूबर 1920 पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। टेन्योर 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 यानी कि दोस्तों 25 जुलाई 1997 टू 25 जुलाई 2002। दोस्तों भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, अबुल पाकिर, जिनालुद्दीन, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों जो इनका जन्म हुआ वो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ, 15 अक्टूबर 1931। और जो दोस्तों इनकी मृत्यु देहांत 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015। पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों इंडिपेंडेंट। टेन्योर कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, 25 जुलाई 2002 टू 25 जुलाई 2007। दोस्तों भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, जन्म हुआ इनका 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र में। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। टेन्योर दोस्तों 25 जुलाई 2007 टू 25 जुलाई 2012। दोस्तों ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। दोस्तों जो हमारे 13th प्रेसिडेंट, 13वें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, इनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल में, 11th दिसंबर 1935 वेस्ट बंगाल। जो इनकी मृत्यु देहांत हुआ दोस्तों 31 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020। और जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों जो इनका टेन्योर रहा कार्यकाल वो है 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक, 25 जुलाई 2012 टू 25 जुलाई 2017। दोस्तों भारत के हमारे 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में, 1 अक्टूबर 1945। और दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और दोस्तों जो टेन्योर है इनका वो है 25 जुलाई 2017 टू 25 जुलाई 2022 यानी कि 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। और दोस्तों भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो इनका जन्म हुआ 20 जून 1958 को उड़ीसा में। पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। और जो इनका टेन्योर है वो है दोस्तों 25 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक। हाल में दोस्तों जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं ये श्री द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। दोस्तों ये था हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक करंट प्रेसिडेंट तक की लिस्ट और उनके बारे में दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों। और दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।